मैं हमेशा हैंडसम होता हूँ और जब सुभी जी साथ में हो तो थोड़ा लाल हो गया होगा, हो सकता है। ब्लश कर रहे हैं आप एकदम, माय गॉड, क्या आपके बाल भी बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं। बाल एकदम आपको देखकर बाल खड़े हो रहे हैं मेरे। शुभी जी ने मेरे लिए गाया ना अभी अर्धांगिनी, टाइटल ही अपने आप में पूरी, मतलब बोलने में अर्धांगिनी लगता है और ये पूरी कहानी है अर्धांगिनी का, मतलब ऐसे ही समझ में आ जाता है मैडम। और सूरज सम्राट जी कहाँ हैं? सूरज जी के साथ मेरी पहली फिल्म है और बस हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और इनके लिए मेरी गुड विशेष है कि इनकी फिल्म बहुत अच्छी चले और हमारी फिल्म अच्छी हो जाए। हमने सुना है केके जी जो आपकी अर्धांगिनी है असल में आपकी अर्धांगिनी नहीं, आपकी डबल है। मेरी जो रियल अर्धांगिनी है वो तो कभी पर्दे पर आती नहीं है, लेकिन जो रियल लाइफ में अर्धांगिनी होती है, चाहे वो सीमा जी हो या स्वीटी जी हो या रितु पांडे जी हो, या एक बार ये भी मेरी अर्धांगिनी होते होते बैठ गई बदमाश। चाहे जो कोई भी हो वो सब मुझसे डबल ही होती है सर, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं हूँ आधा पर डबल वाली मेरी अर्धांगिनी होती है। और कहना है आपको इस फिल्म के बारे में, अपने किरदार के बारे में, कि गोस्वामी को क्या रोल मिला इसमें? इसमें मैं हूँ नेगेटिव, पहले से नेगेटिव हूँ, बाद में मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ और एक प्यारा, बहुत प्यारा मेरे मन पसंद रोल है इसमें, वही मैं कर रहा हूँ। और इससे भी बड़ा सवाल, अर्धांगिनी मिलेगी कि नहीं इस फिल्म में? अर्धांगिनी नहीं मिलेगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, विलन ही हूँ और टाइटल काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है कि ये नारी प्रधान फिल्म है। अच्छी बात है कि हमारी भोजपुरी फिल्मों में भी जो है कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है और अच्छे से टाइटल, अच्छे से स्टूडियो पे काम चल रहा है और ये चाहिए भी था, तो खुशी है हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और उसके जो है हमारे जो ऑडियंस है उसके लिए भी अच्छी बात है कि हमारी जो है अब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और हमारी जो है इंडस्ट्री के लोग जो है अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। ये होना चाहिए था और हो रहा है। आया था बेसिकली एक सिंगर और इंडस्ट्री में, उनका भी स्वागत आपको करना होगा, सुराज सम्राट साहब जो कि फुल फ्लेज्ड जिसमें बताओ हीरो लॉन्च हो रहा है। जी जी, तो एक और सिंगर की एंट्री हुई है आया था, इसके बारे में क्या कहते हैं? अच्छी बात है। देखिए, कोई भी किसी भी क्षेत्र का जब विस्तार होता है, जो बड़ा होता है, तो क्या होता है कि उसका विकास होता है। जब कोई चीज़ बढ़ रहा है, मतलब ग्रोथ कर रहा है, तो चाहिए ये कि जिस तरह से ये बढ़ रहा है उसको अच्छी तरह से बढ़ाए। दो बढ़ने का तरीका दो होता है, एक जो है जमीनी स्तर बढ़ता है और एक आसमान की तरफ बढ़ता है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है यूँ ना फैले, यूँ फैले। और अच्छी बात है कि सिंगर आ रहे हैं, नए नए सिंगर आ रहे हैं, उससे क्या होगा, कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन होता है तो लोगों में होता है कि हम अच्छा काम करें, हमारा कंपटीशन बढ़ गया तो लोगों में, तो ऐसे लोग सोच रहे हैं जो भी हूँ मैं ही हूँ। अभी क्या होगा, कम जितना कंपटीशन होगा, जिस क्षेत्र में कंपटीशन होता है उस क्षेत्र में जो अच्छे काम होते हैं, नए नए काम होते हैं, सबको लगता है कि नहीं हमें मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि हमें अगला हमारा कंपटीटर खड़ा है। तो अच्छी बात है, सूरज जी के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं कि जिस तरह से ये फिल्म में पदार्पण कर रहे हैं अर्धांगिनी में, और मेरी दुआ है कि वो सिंगर थे अब ये एक्टर बने हैं, तो ये सिंगिंग अलग क्षेत्र है और एक्टिंग अलग क्षेत्र है, तो जिस तरह उन्होंने सिंगिंग में अपना कदम जमाया है, मैं यही दुआ करूँगा कि वो जो है अपने एक्टिंग में भी जो है इंडस्ट्री में कदम रखे हैं, तो कदम को जमाएं और अच्छा एक्टिंग करेंगे। हमारी दुआएं, हमारा प्यार, हमारा आशीर्वाद उनके साथ। मतलब क्या बातें चल रही थी फिल्म को लेके कि आपस में? शायद आपकी तरफ देख के बातें कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे थे कि जो अय्याज भाई हैं, अय्याज खान जी, अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं और ये मतलब
इतना अच्छा बोल रहे थे कि मैं बोला कि देखिए कितना अच्छा बोलने लगा है बच्चा. सही बात है, सही बात है. रियली मैं इनका बच्चा ही हूँ. सही बात है ना. जब से मैं जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे जो बड़े साहब भाई का फिल्में और सीरियल्स बहुत देखते थे. सच में इनको देखकर बहुत खुशी होती है. इन्होंने जिस तरह से अपना झंडा लहराया, जिस तरह से जितनी एनर्जी से, और जैसे हम मैंने भी एक एक करके एक एक कदम करके हम बहुत मतलब बहुत मेहनत और परिश्रम से यहाँ तक पहुँचे. उसी तरह अयाज भाई भी बहुत मेहनत करके आज इस फिल्म में मेन विलेन है और मैं इन्हीं के साथ हूँ. खुशी की बात है कि मैं इन्हीं के साथ हूँ. बस तो आप जैसे लोगों की दुआएं हैं, बहुत की दुआएं हैं, माँ बाप का दुआ आशीर्वाद है, ऊपर वाले कर्मों कर्म है. और मैं ही चाहूँगा कि जिस तरह से ये इज्जत शोहरत हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से मिली है, भोजपुरी समाज से मिली है, ये हमेशा मिलती रहे. का माँ बन चुकी हूँ, अयाज का भी माँ बन चुकी हूँ. इसमें मैं अपोजिट हीरो की माँ हूँ, अयाज की माँ नहीं हूँ. ये मेरे एंटी पार्टी है, लेकिन पर्सनल लाइफ में माने घरेलू है, हम लोग सब एक है. और आज अर्धांगिनी पिक्चर की मुहूर्त हुई है, बेहद खुशी की बात है. और मैं चाहती हूँ कि हमारे अर्धांगिनी के टीम हीरो हीरोइन प्रोड्यूसर डायरेक्टर टेक्नीशियन ऑल एक्ट्रेस एंड एक्टर सबको मेरे तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक. अल्लाह करे कि ये पिक्चर जल्द से जल्द कंप्लीट हो और पिक्चर रिलीज़ हो, सुपर हिट हो. हमारी दिली तमन्ना है, यही हमारी ख्वाहिश है. अल्लाह पूरा करे, अल्लाह से हमारी यही दुआ है. और बस आप लोग इसी तरह प्यार देते रहें और पब्लिसिटी करें, क्योंकि आप लोग के बदौलत तो हम लोग कुछ भी नहीं है. अगर आप लोग करेंगे तो हम लोग और आगे जाएंगे और इस पिक्चर को इस पिक्चर में मतलब चार चांद और लग जाएगी. और बस इतना ही कहूँगी आप सबको और हमारे पूरा मतलब देश को हमारे तरफ से नमस्कार. आप लोग सब प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, दुआ कीजिए. थैंक यू. मेरी भी एक ख्वाहिश है, मेरी भी एक ख्वाहिश है. आप लोग अपना अपना कैमरा प्लीज़ ऑफ मत कीजिए. अब मेरी भी एक ख्वाहिश है कि किसी दिन मैं आपके जगह हूँ और मैं आपका गोविंद जी का कुछ ऐसे लोग हैं उनका मैं इंटरव्यू.